वेलकम फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं बनाने ब्रोकली यानी हरा वाला गोभी का सब्जी। तो हमने थोड़ी सी हरी वाली गोभी कट कर ली है और प्याज और टमाटर, यहाँ मेरे घर थोड़ा बीन्स पड़ा था और आलू जिसको मैंने एक ही भी काट लिया है। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इसकी सब्जी हमको कैसे बनाना है। ये देखिए, हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिए है, एक गर्म हो गया है। इसमें अब हम कम कर देते हैं तो जलने लगेगा। सरसों हम कम कर रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा और कम कर खा दिया नहीं लगा। आपको बता दें कि ब्रोकली है तो बहुत जल्दी गल जाता है, मतलब हो जाता है इसका। तो ये फूट जाता है दोस्तों, तो हरा हरा सब्जी में एकदम से दिखने लगता है और कुछ अच्छा दिखता भी नहीं है, और इधर खड़े खड़े ही रहेगा जैसे हम लोग कट किए हैं। तो ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। अच्छा, बहुत लोग इसे खाते भी बोलते हैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ्रेंड हमारे खेतों में लगाए गए हैं क्योंकि हम लोग फार्मिंग का काम करते हैं। तो अपने घर में रहने की वजह से बार बार बनाना पड़ता है। हमने सोचा एक दो बार किसी रेसिपी बता दे कैसे बनाया जाता है। तो कुछ देर के लिए ढक देना है। पैन में निकालने के बाद निकाल लेंगे और देखिए कितना कम हो गया है, पहले देखने में कितना ज्यादा लग रहा था और थोड़ा बड़ा बड़ा भी लग रहा था इसका पीस। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऐड करेंगे तो गर्म होने तक छोड़ देते हैं। ठंडे तक हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे प्याज जो हम ग्रेडियंट्स करके रखे थे। इसको भी हम लोग भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। तो
देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू और ब्रोकली, आलू और बीन्स। सॉरी मिस्टेक हो गया, हम यहाँ थोड़ा सा आलू और बीन्स कट करके रखे हैं। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। पानी गर्म हो जाएगा तो सब्जी में डालेंगे तो सब्जी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरे थोड़ा सा जल्दी से बनाना है। इसलिए हमने पानी भी सब रख दिया है। अब यहाँ प्याज हम लोग धनिया कच्चे रखे हैं और यहाँ टमाटर कच्चे रखे हैं। ब्रोकली को हम लोग अच्छी तरह से भून के रखे हैं। यहाँ हम रखे हैं मसाला। मसाला में हमने ऐड किया है लहसुन, मिर्चा और धनिया, जीरा, मरीच और फिर थोड़ा सा गरम मसाला। सब डाल के हमने उसको मिक्स कर दिया है, ग्राइंड कर दिया है दोस्तों। जैसे सर अब हम धीरे धीरे चला रहे हैं, हल्का सा सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मसाला। मसाला अभी 5 मिनट का समय है। देखिए ये कितना अच्छा से भून गया है आलू और बीन्स और प्याज। तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पीस के सारा कुछ एक ही रखे थे, इसको ऐड कर दिए। अब इसको कम से कम 5 मिनट तक हम लोग भूनेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा ही पीस दिए थे, इसमें पानी डाल के पीसे थे हम लोग। तो इसको जब तक ऑयल बाहर से दिखने न लगे तब तक इसको चलाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मिल गया है और इसका लुक भी काफी अच्छा आ रहा है। तो इसको हम लोग 5 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी, धनिया और टमाटर। फ्रेंड देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा एकदम भून के तैयार हो गया है। इसमें देखिए ऑयल भी आ गया है मसाले के बीच से। तो इसमें हम अब ऐड करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखा था। इसको हल्का सा चला लेंगे हम। उसके बाद चलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम ब्रोकली जो भून के रखे थे। भूनते भूनते ही हो गया है।
हल्का सा पानी डालने से ये होता है मसाला मिल जाता है।